विकासखंड विलंगना के तहसील घनसाली में आज यूथ कांग्रेस और युवा शक्ति सहयोग संगठन के संयुक्त तत्वाधान में उप जिलाधिकारी घनसाली और थाना अध्यक्ष को अग्निपथ योजना के विरोध में ज्ञापन दिया। इस दौरान संगठन के लोगों ने कहा कि सेना में भर्ती होने जा रहे नौजवानों के साथ टीओडी नामक योजना बना करके नौजवानों को मात्र 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के नौजवानों में काफी आक्रोश है। मेरा कहना है कि सबसे पहले ये हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ बहुत ही बड़ी साजिश है। ये सबसे पहले तो जो हमारी भाजपा सरकार है, इसने पूरे देश को बेच दिया। उसके बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारी आर्मी है, उसको भी ये बेचना चाह रही है। ये तो इस हिसाब से सीन हो गया कि जैसे ट्रेन के बाहर हम सब्जियां नहीं बेचते, वैसे 11 लाख में हमारी आर्मी को बेचा जा रहा है। जो लड़के हैं चार साल में क्या नौकरी करेंगे 4 साल? और ये जो हम जब भर्ती होता है लड़का 6 महीने की तो रंगोटी करता है, फिर 3 महीने की एडवांस ट्रेनिंग करता है, 9 महीने में, और 9 महीने की ट्रेनिंग है 6 महीने में कंप्लीट करवाएंगे। और जो सोल्जर 6-7 साल में बनता है उसको ये 6 महीने में बनवा के और 4 साल में घर भेज देंगे, तो क्या फ़ायदा है इसका? मतलब लड़कों को तो बेरोजगार बना दिया उन्होंने, यहाँ से तो ले गए, वहाँ से बेरोजगार आगे कर। फिर उसके बाद जो लड़का है, अब यहाँ का लड़का तो चलो मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ कर लेगा, जो जे एंड के का लड़का है जम्मू कश्मीर का, वो तो अगर वो फौज में